तीन भाग में उसको विभाजित किया गया। हमारे शास्त्र में हमारे आचार्य गुरु बोलते हैं पहला 6 चैप्टर को कर्म युग बोलते हैं, इसके बाद 6 चैप्टर को भक्ति युग बोलते हैं, उसके बाद 6 चैप्टर को ज्ञान युग बोलते हैं। मतलब कर्म और ज्ञान के बीच में भक्ति बैठे हैं। जैसे आप कोई गहना होता है, सोने का हीरे का कोई रकमारी गहना होता है ना, आप क्या करते हैं, आपका आलमीरा का अंदर उसका अंदर औरे का छोटा है लकर है, उसका अंदर लकर है, लकर का अंदर रखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मोस्ट प्रोटेक्टेड चीज है, सबसे दामी चीज है, कीमती चीज है। ऐसे जैसे पहले राजा लोग युद्ध में जाते थे, उनका पहले सेना रहते थे, पीछे में सेना रहते थे, राजा लोग बीच में रहते थे, कि उनको प्रोटेक्शन देना बड़ी बात है, राजा खत्म हो जाएगा सब खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही गीता में क्या किया गया, गीता में पहले कर्मजोग, लास्ट में ज्ञानजोग, बीच में भक्ति को छिपा कर रखा है। लेकिन गीता का असल रहस्य होता है भक्ति में। लेकिन आज हम आपको जो बताएंगे वो कर्म ज्ञान और भक्ति की बात ही नहीं बताएंगे, हम आपको थोड़ा कॉर्पोरेट स्टाइल में आपको नया फॉर्मूला देंगे जिससे आप समझ पाएंगे गीता इजीली, ठीक है। क्योंकि आप बोले कर्म क्या है ज्ञान क्या है समझना मुश्किल है, हम लोग क्या करते हैं, हम जानते हैं इससे कर्म कर्म सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, कर्म क्या है समझना मुश्किल है, ज्ञान और समझना और मुश्किल है। इसलिए हम पूरा गीता को 3 भाग में भाग किया गया, उसे ऐसे पहले 6 चैप्टर, इसके बाद 6 चैप्टर, इसके बाद 6 चैप्टर। पहले 6 चैप्टर में आपको बताया टू नो अबाउट योर सेल्फ, द सिंगल वर्ड यूज फॉर दिस 6 चैप्टर्स इज यू, क्या है यू आप, ठीक है। पहले 6 चैप्टर को आप, हम समझाएंगे कैसे आप होगा, इसके बाद 6 चैप्टर कृष्णा, इसके बाद 6 चैप्टर, बाद 6 चैप्टर लास्ट 6 चैप्टर द कनेक्शन बिटवीन यू एंड कृष्ण, आप और भगवान कृष्ण का जो कनेक्शन है संयोग है वो संयोग कैसे होता है। मतलब पहले 6 चैप्टर में आप अपने को समझेंगे, आप है कौन आपके बारे में समझेंगे, इसके बाद 6 चैप्टर में आप भगवान समझेंगे, आप भगवान जान लिए अपने को जान लिए, इसके बाद कैसे आप संबंध रखेंगे उस संबंध के बारे में लास्ट 6 चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। जितना शुरुआत कैसे होता है देखिए सिनेरियो क्या है, सिनेरियो क्या है, अर्जुन युद्ध में जा रहे हैं, कुरुक्षेत्र में युद्ध में जा रहे हैं। आप गीता का पहला अध्याय में 47 श्लोक से, कितना 47 श्लोक का पहला 23rd श्लोक में अर्जुन बोल रहे हैं कृष्ण को, आप ऐसे करना थोड़ा हमको युद्ध का बीच में ले जाओ, हम देखना चाहते हैं दुर्बुद्धि संपन्न धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन पक्ष में कौन लोग आए हैं, कौन लोग इस युद्ध क्षेत्र में दुर्योधन के पक्ष में, मतलब जो दुष्टिवान है, जो सारे बुरा चीज का आधार है, उनका पक्ष में मरने के लिए कौन लोग आए हैं, वो लोग हम देखना चाहते हैं। और जो पूछे 23rd श्लोक में आप देखेंगे, ठीक है। इसके बाद 24th श्लोक में भगवान कृष्ण उनको ले जाते हैं कहां, बीच में जहां भीष्मदेव है, द्रोणाचार्य है, कौरव लोग खड़े हैं। और 26th श्लोक में देखिए 23 और 26 का अंदर 2 श्लोक बीच में है, 23 और 26 का कितना श्लोक है, 2 है, 2 श्लोक के बाद ही वही अर्जुन बोल रहे हैं कृष्ण हमने कहां आ गया, अरे हमारे गुरुदेव है, हमारे पितृदेव है, पितामह है, हमारे सारे भाई लोग है, हमारे सारे रिश्तेदार लोग है, वो लोग तो कैसे हम युद्ध करेंगे। सीधी देखिए क्या हुआ, 2 श्लोक का फर्क है, 2 श्लोक का पहले वो सारे दुष्कृतवान थे, जो लोग बात तो बोलते हैं, 2 श्लोक का पहले
वो सारे खन्ना आदमी थे, बुरा आदमी जितना बुरा सब कहे हो सकता है, उनके लिए था। और दोस्तों का बात मतलब 5 मिनट नहीं हुआ, वो क्या लिखे, सारे रिश्तेदार बन गए। अरे जब ऑर्डर तुमने आया थे तुम समझ नहीं पाया, वो सारे रिश्तेदार को दे लोगे, तो नाराज में आ गया ना क्या, नाराज में है नहीं, वो जानता था जो जो आने वाले हुई है, कोई नाराज नहीं हुआ क्या? क्योंकि जब हम लोग हमारे विचार से, हमारा जड़ संबंध से, हमारा अपना जागतिक ज्ञान से विवेचना करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, तब स्थिति ऐसे ही पैदा होता है। जो भी हो, कृष्ण कुछ बोले नहीं, वो बोलते रहा, बोलते रहा, 26 श्लोक से 47 तक चलते रहा। ऐसे हुआ, ऐसे रहा, कृष्ण हम कैसे युद्ध करेंगे यार, क्या बात करते हैं आप, हमारे गुरुदेव है, हम उनके साथ युद्ध नहीं कर सकते हैं, हमारे पितामह है, आपका नाम तो मधुसूदन है, आप मधु दैत्य को मारे थे, आप तो आपके गुरु को नहीं मारे, हम कैसे मारेंगे? अरे गुरु को तो लोग पूजा करते हैं, माला पहनाते हैं, हम तो तीर कैसे मारेंगे, हो नहीं सकता है। अरे गुरुदेव छोड़िए, हमारे पितामह छोड़िए, हमारे भाई लोग छोड़िए, इतना राजा सब मारेंगे, सारे इतना लोग विधवा हो जाएंगे, कौन लोग विधवा हो जाएंगे, सारे उनका जो पत्नी लोग, इतना विधवा होने के बाद समाज में क्या होगा, व्यभिचार होगा, वनस्थ में जाए होंगे, इसमें पिंड देना कोई आदमी नहीं रहेगा, आज सारे युद्ध का जो फल फल होगा, जो परिणाम होगा, वो परिणाम के हम रिस्पॉन्सिबल होंगे, उससे बढ़िया है वो युद्ध नहीं करना है। ठीक है, कितना अच्छा बात है, ठीक है ना। अरे कौन जाकर कोई बोलेगा आपको पिताजी को मारो, कैसे बात हो गया, कोई बोलेगा आपको भाई को मारो, उससे बढ़िया है युद्ध नहीं करना, ठीक है। इसलिए अर्जुन बोलते हैं, देखो हम युद्ध नहीं करना चाहते, इससे बढ़िया है हम अस्त्र छोड़ देते हैं, हम ऐसे भाग जाएंगे, वो पीछे सबको मार देगा, बच गया, आ नहीं तो संन्यास ले लेते, ऐसे हमको नहीं भी मारा कोई बात नहीं, अरे सारे मर ही जाएंगे, हम युद्ध में जीतने के बाद होगा क्या, हमारा क्या फायदा होगा, जो लोग के साथ हम युद्ध करके जीतेंगे वो लोग देखने के लिए नहीं रहेंगे, तो इससे बढ़िया हम एकला राज करेंगे क्या, उससे बढ़िया युद्ध नहीं करना है। ऐसी स्थिति में कृष्ण बोलते हैं उनको, सेकंड चैप्टर सेकंड श्लोक, कुतस्त्वा तस्मरमीदं विषमे संपश्यतम् अनार्जम दुष्टम अश्वगम अप्रीति करम अर्जुन। हे अर्जुन तू क्या बात कर रहा है, तू युद्ध क्षेत्र में आया, क्षत्रिय है, युद्ध क्षेत्र में आकर बोलता युद्ध नहीं करेगा, वो तो कोई धन की बात नहीं है, अनार्जम दुष्टम अश्वगम, वो तो कोई आर्य का बात नहीं, कोई आदमी से करता है, क्षत्रिय युद्ध क्षेत्र भाग जाता है, तुम आए क्यों, तो ऐसे उसको पंपनिंग करते थे कृष्ण, पंपनिंग करते मतलब दोस्त है ना, कृष्ण अर्जुन दोस्त है, तो दोस्त क्या होते हैं, उसे बोला था क्या है, अब क्लीबम एक शब्द व्यवहार किए, तुम क्लीब हो गया, तुम क्या पुरुष है यार, युद्ध के तुम्हें आकर भाग जाता है, लेकिन जितना पंपनिंग करो क्या होगा, उस टाइम में अर्जुन का हालत ऐसे है, उसका हाथ से गांडीव गिर गया था, वो खड़ा होकर हिम्मत नहीं था, उसका शरीर से आग निकलता था, उसका शरीर कांप रहा था, इतना डर गया था। देखिए वो जो स्थिति है, वो स्थिति सिर्फ मतलब युद्ध के तुम जब आया था, और जो सिनेरियो है, वो सिनेरियो ही कहा जाता है, हम लोग जब कोई मेटेरियल स्ट्रेंथ से, इस संसार का कोई स्ट्रेंथ से बड़ा होना चाहते हैं, वो हम कभी भी ऐसे हालत में पहुंच सकता है जो हालत अर्जुन का भी हुआ है। इसलिए अर्जुन जब इतना डर गया, इसलिए उसको कहते हैं विषाद, जो हमारा इसका किताब में लिखा हुआ ऑब्जर्विंग आर्मीज, मतलब आधा तो युद्ध क्षेत्र निरीक्षण किए हैं और आधा विषाद, जो मतलब अर्जुन विषाद में थे, और पूरा जो अध्याय है, पूरा अध्याय में आधा चला गया सैन्य निरीक्षण करने में, और आधा चला गया
विषाद में, मतलब अर्जुन का जो सिचुएशन बदल गया और उसको वर्णन किए, उसको एक शब्द में हम बताएंगे लैमेंटेशन क्या है, क्या है अर्जुन जो लैमेंट करते हैं और लैमेंटेशन, लैमेंटेशन समझते ना, शोक होता है, शोक अर्जुन का शोक। आप शोक शब्द याद रखेंगे पूरा चैप्टर आपको याद आ जाएगा, क्यों शोक किए, इसलिए शोक किए, शोक का पूर्व स्थिति क्या था और बाद में क्या हुआ, ठीक है। सेकंड चैप्टर आते हैं, सेकंड क्या हुआ, जब अर्जुन कृष्ण का पैम्परिंग में समझ नहीं पाते हैं, कृष्ण उसको मजाक करे ना, अरे तुम क्या कर रहे हो यार, तुम इधर आए अभी क्या है, तुम युद्ध के भाग जाता है, होता है ना दोस्त दोस्त बोलते, तब अर्जुन समझ गया, अर्जुन समझ दिमाग काम नहीं करता है, अर्जुन बोला अहम तम साधिमान तो प्रपन्नम, मतलब अर्जुन बोलता है शिष्यस्त्वम स्वाधिमान तम प्रपन्नम, हे कृष्ण हमको और कुछ मत बोलो, बहुत हो गया, हम इतना डिमोनाइज हो गया, अभी एक काम करना, तुम हमको कैसे कैसे, हम तुम्हारे शरण में आते हैं, हम तुम्हारे शिष्य बनते हैं, तुम बचाओ इस स्थिति से। कौन बोला, अर्जुन, वो सब पहले तो वो फ्रेंड था, दोस्त था, ठीक है ना, जब दोस्त था कृष्ण उनका दोस्त का व्यवहार करते थे, जब वो अर्जुन शरण में आ गया सातवें श्लोक में 27 उसमें बोलते हैं हम आपका शिष्य बन गया, शिष्य बनना चाहते हूं, शिष्य मतलब क्या है, शिष्य मतलब जो शासन को स्वीकार कर लेते हैं, शिष्य मतलब जो शासन को स्वीकार कर लेते हैं, आप जो शासन करना कर रहा हूं जो बोलना बोलो, लेकिन हमारे दिमाग कभी काम नहीं करते हैं, आई एम कंफ्यूज, हम समझ नहीं पाते क्या करना क्या नहीं करना। जब अर्जुन वो बात बोले कृष्ण उनका मूड बदला दिया, अभी कृष्ण दोस्त नहीं बने, अब जैसे रियल कंफ्यूज, इसलिए वो क्या किया, गुरु का रूप ले लिया, शिष्य मतलब क्या है, शिष्य का गुरु को उपदेश देंगे ना, अभी कृष्ण तो गुरु बन गए, गुरु बन क्या किए, सेकंड चैप्टर क्या किया देखिए, सेकंड चैप्टर एक चीज भगवान किए उनको समझाएं, अर्जुन यू आर नॉट दिस बॉडी, 13 नंबर श्लोक, देहिनस्मिन् यथा देह कौमारं जवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र नमुज्यन्ति।